हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एग्रीकल्चर नॉलेज ट्रैक। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे भारत के शीर्ष उत्पादन वाले राज्य, टॉप थ्री स्टेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप्स। तो हम आपसे विभिन्न फसलें देखेंगे और उनके जो उत्पादन है भारत में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर किन राज्यों पर होता है। तो फर्स्ट आपकी जो क्रॉप है वो है चावल, धान यानी पैडी। तो चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो आपका पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरे नंबर पर पंजाब और वहीं तीसरे नंबर उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर होता है। और नेक्स्ट क्रॉप है आपकी गेहूं, वीट। तो इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरा स्थान पंजाब का है और तीसरा हरियाणा का है। वहीं पर आपकी जो नेक्स्ट मेज़ है जिया मेज़, मक्का। तो मक्के का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट क्रॉप है आपकी ज्वार, मिलेट। ज्वार का जो सबसे अधिक उत्पादन है वो महाराष्ट्र में होता है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान मध्य प्रदेश में होता है। वहीं बाजरे का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश और उसके बाद हरियाणा में होता है। जबकि जो दलहन है उसका सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश MP में, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान राजस्थान का है। नेक्स्ट क्रॉप है आपकी जो है वो आपकी चना। तो चने का जो सबसे अधिक उत्पादन वो मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, वहीं तृतीय स्थान इसका आंध्र प्रदेश होता है। और अरहर, पिजन पी, जो इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो महाराष्ट्र में, सेकेंड नंबर मध्य प्रदेश एंड थर्ड नंबर कर्नाटक में होता है। और वहीं पे जो आपकी सबसे अधिक प्रोटीन देने वाली फसल है वो है आपकी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन होता है, महाराष्ट्र पर दूसरे स्थान पर और राजस्थान में तीसरे स्थान पर इसका उत्पादन किया जाता है। वहीं मूँगफली, ग्राउंडनट का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में और आंध्र प्रदेश में दूसरे स्थान और तमिलनाडु तीसरा स्थान पर होता है। वहीं आपकी जो सरसों है उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन राजस्थान में और सेकेंड नंबर हरियाणा और थर्ड नंबर मध्य प्रदेश में होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट वीडियो में हमने आपसे जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड रेवोल्यूशन है उन पर वीडियो बनाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग ऐसे एग्रीकल्चर रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड अनदर वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।